लिंक पर बरतानिया से मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है बरतानिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। और उनके रेजिग्नेशन के बाद हम देख रहे हैं कि भारत में जश्न का समय है। कुछ लोग जो भारत से बकवासियात करते हैं सोशल मीडिया पर, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो इस चीज को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने इस्तीफा दे दिया। जहाँ वहीं दूसरी जानब पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों की कुछ तहफ़ात हैं और वो शायद ये सोच रहे हैं कि अब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब उस तरीके से कश्मीर को लेकर आवाज नहीं उठा सकेंगे जिस तरह पहले वो इंटरनेशनली कश्मीर केस को जिस तरीके से वो प्लीड कर रहे हैं। तो रीजन क्या बनी, इतना लंबा अरसा उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गुजारा, क्यों अचानक उन्होंने इस तरीके से रिजाइन किया और अब कश्मीर को लेकर आया वो मुस्तकबिल में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे या नहीं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। वालेकुम सलाम हैदर हयात खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर सबसे पहले तो इतना अरसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गुजारने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने रिजाइन कर दिया? देखें, ये एक तो अचानक फैसला नहीं था। दूसरी बात यह है कि मैं लेबर पार्टी में 1976 में जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मैंने ज्वाइन किया और एक्टिव पॉलिटिक्स यहाँ रौद्रम में 10 साल में कौन सा, और मैं कैंपेनिंग कश्मीर और फलिस्तीन के लिए थ्रू आउट इस पीरियड में करता रहा। मेरी वाइफ जो है उनको बाउल कैंसर था जिसकी वजह से वो एक ऑपरेशन उनका पेट के अंदर खुल गया था और उसकी वजह से अभी तक उनका जो उनकी सेहत है वो ठीक नहीं है और अभी तक उन्होंने उसको स्टिचअप भी नहीं किया और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया ही नहीं हूं। तो ये अचानक नहीं है, सबको पता है कि मैंने कोई सेशन अटेंड नहीं किया। ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि मैंने कोई हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर ना तो स्पीचेस की हैं ना ही मैंने कोई अटेंडेंस अलाउंस क्लेम किया है। तो ये न्याय नहीं है, सबको पता है। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल उठाया अभी मैं जवाब दे सकता हूँ वैसे। जी जी जी, जी, जी क्योंकि कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जब से ये खबर आई है भारत में तो हमने देखा, बल्कि एक ट्वीट भी है, मेजर गौरव आर्या ने एक ट्वीट भी की है जिसमें उन्होंने आपके ऊपर कुछ इल्जामात लगाए हैं और आपके साथ भी उनकी माजी में शायद कोई डिस्कशन भी हो चुकी है किंग्स कॉलेज लंदन में 2017 का हवाला दिया है, तो वो डिस्कशन के हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। और कश्मीर से हम देख रहे हैं कि जैसे ही खबर आई और कश्मीर के जो सोशल मीडिया पेजेस थे वहां पे हमने कश्मीरी आवाम का जो थोड़ा सा उनका जो रद्द अमल था वो थोड़ा अफसरदा नजर आए और उन्होंने शायद ये सोचा कि अब उस तरीके से आप शायद कश्मीर केस को प्लीड नहीं करेंगे इंटरनेशनली, तो वो भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, फर्स्ट और जो कश्मीर कॉज है उसके लिए मैं काम इंशाल्लाह हमेशा करता रहूंगा, फिलिस्तीन के लिए काम करता रहूंगा। थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं, आपको पता है कि जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हो तो एलिगेशंस लगती हैं। पहले तो ये जो कैप्टन साहब हैं, मेजर साहब हैं, इनको तो वहां लंदन कभी भूल नहीं सकते क्योंकि आई वाइप द फ्लोर विद हिज आर्ग्यूमेंट्स। मैंने कहा था कि ये जो आरएसएस और बीजेपी की हिंदुत्व फिलॉसफी है ये माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं, कश्मीर के साथ क्या करते हैं, बल्कि रॉ के साथ इनके जो लिंक है वो तो सबको पता है जो उनको फॉलो करते हैं। मैं तो उनको फॉलो नहीं करता क्योंकि वो उनका मुझे पता है कि नैरेटिव क्या है। रॉ के बहुत सारे लोग हैं बाय द वे। ये जो नई खबर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हवाले से जिसको वो सारा जो हिंदुस्तान का रो सपोर्टेड जो मीडिया और जो उनके लोग हैं, पाकिस्तान के भी दो चार हैं बाय द वे, वो जो कुछ कह रहे हैं वो मैं उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरे ऊपर एक तो हमारे फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से मेरे कजन ने 50 साल पहले की कोई एलिगेशन लगाई जो अभी तक कोर्ट में है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो सब ज्यूडिसी हो जाती है। ये फिर एक खातून ने एलिगेशन लगाई थी जो कोई न्यूज़पेपर उसको हाथ नहीं लगा रहा था, इवन संडे टाइम्स ने उसको उसके से बात की लेकिन दे डिड वांट टू टच इट। लेकिन हिंदुस्तानी एक वो अनसुद्दीन अजीज साहब हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं हैं या जर्नलिस्ट लेकिन उनका न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक
शशि, और ये पहली बार में सारे नाम शशि सिंह हैं जो बीबीसी के लिए काम करती हैं, उनको अप्रोच किया और उन्होंने एक और वो जो मिस्टर वॉटसन है वो स्पेशलाइज करते हैं इस्लामिक टेररिज्म. देखें जो एलिगेशन है वो सेक्सुअल है, जो एलिगेशन है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है मेरे काम के हवाले से, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म वाले जो स्पेशलिस्ट हैं वो इन जो इंडियंस जो जर्नलिस्ट हैं इनसे मिलके उन्होंने रिपोर्ट जो है वो तैयार की, जिसके ऊपर उन्होंने कमिश्नर को बहुत क्रिटिसाइज किया. तो उस वक्त जो रूल्स थे उन रूल्स के मुताबिक कोई एक्शन नहीं कर सकते थे, और वाजिया उस प्रोग्राम में है कि जो है रूल्स डू नॉट अलाउ एनीथिंग, और उसने डिसमिस कर दिया था. बाद में प्रेशर इतना उनके ऊपर पड़ा कि उन्होंने ना तो सिर्फ रूल्स चेंज किए बल्कि उनको बैकडेट किया, और बैकडेट करके मुझे इंटरव्यू फिर वो एलिगेशन लगाई, फिर भी ना कवर हुआ तो उन्होंने रूल फिर चेंज करके उसको जो है तो अभी मैं ये आपको बताऊं, ये दिस इज नॉट ओवर, ये जो है अब यूरोपियन कोर्ट में जाएगा. मैं ज्यादा इसके हवाले से इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस, और ये जो रिपोर्ट है ये जानबूझ के इस तरह करवाई गई है ताकि जो वो पर्टिकुलर मीडिया है उसको सेंसेशनलाइज करे. मेरा जो काम है मैं कश्मीर को सपोर्ट करता हूँ, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूँ, और इंशाल्लाह करता रहूंगा. अच्छा लॉर्ड नज़ीर में सब हम देख रहे हैं कि माजी में आप हमेशा जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, आप बात कर रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, माजी में भी जब कोई मुसलमानों के ऊपर कड़ा वक्त आया आपने आवाज उठाई और विद इन पार्टी भी आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े. लेबर पार्टी ने जब इराक वॉर के अगेंस्ट आपने आवाज उठाई तो आपको विद इन पार्टी उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़े. तो एक तो अब फ्यूचर में आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से आप इस्लामोफोबिया की इस्लामिक जो टेररिज्म की जो आप बात कर रहे हैं कि उन लोगों को उन्होंने जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो आपके खिलाफ उनको इस्तेमाल किया और इल्जामात कोई और लगाए स्पेशलिस्ट्स और थे, तो रीजन ऑब्वियसली सबको पता है कि आप दुनिया में जिस तरीके से इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं और आप जिस तरीके से इस्लाम की पॉजिटिव जो पोस्चरिंग है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और जो नेगेटिविटी जो लोग फैला रहे हैं, अब मुस्तकबिल में आप किस तरीके से इन चीजों को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी तो आपके पास माजी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा ऑफिस था जिससे आपकी आवाज जो है वो ज्यादा मोतबर समझी जाती थी, अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं इस हवाले से? हैदर भाई, मेरा नाम अभी भी द लॉर्ड अहमद है और मेरा टाइटल जो है किसी ने छीना नहीं. मुझे जो एक्सेस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, चाहे वो डाइनिंग रूम में हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स का चेंबर है, कहीं किसी ने मुझे वहां से रोका नहीं है. तो मेरा जो सोशल मीडिया या जो कम्युनिटी है वहां पे काम इंशाल्लाह चलता रहेगा, बल्कि मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा कि मैं जो है वो अपनी एक्टिविटीज को बेहतरीन तरीके से जो है वो लोगों तक पहुंचाऊं. लेकिन लॉबिंग के लिए जो पहले मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि यही लोग जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, यही कमिश्नर को कंप्लेंट्स करते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कंप्लेन करते थे कि ये लॉर्ड अहमद जो है ये एंटी हिंदू है, एंटी इंडिया है, आंटी ये है वो है. अब वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बिल्कुल नहीं है. मेरे जो टाइड ह्यूमन राइट्स का फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर आप देखेंगे. मैं अभी नहीं कह सकता हूं, फिर जब फैसला आएगा फिर इन लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या मैं करूंगा. बिल्कुल ठीक. अच्छा लॉर्ड इंजीनियर साहब, आपने इतना अर्सा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गुजारा, कोई एक मेमोरी आप शेयर करें, कोई एक वाकया जो आप समझते हैं कि, वैसे तो ऑब्वियसली बहुत से ऐसे वाकयात होंगे जो आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज या कोई एक ऐसी चीज जो आपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में की हो, जो आप समझते हैं कि ये एक चीज जो थी, ये मैं समझता हूं कि मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके अपना फर्ज अदा किया है. देखें ये बहुत सारी लिस्ट है. एक तो ये है कि मुसलमानों के लिए जो मुश्किलात थी, चाहे वो होम ऑफिस के अंदर, चाहे वो प्रिजन सर्विस के अंदर, चाहे मुसलमानों के जो मुश्किलात
इस सोसाइटी के अंदर मैं हमेशा उसके बारे में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर ही बोलता रहा हूँ। फिर कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, अफ्रीका, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो मैंने बहुत बड़ा काम किया था वो डारफोर के अंदर जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वहां पे पीस एंड रेकंसिलिएशन इनिशिएटिव जो एस्टेब्लिश किया था, बेसिकली इसलिए कि एक तो वहां पे जो मुसलमान, क्योंकि जो ब्लैक हैं वो भी, जो अरब हैं वो भी मुसलमान हैं, और उनको उनके साथ जो है ये इनिशिएटिव करके अमल लाने के लिए कोशिश थी। लेकिन दूसरा ये भी कि मैं सीखना चाहता था कि अगर मैं वहां पे कामयाब हो गया, जो हम हुए थे उस वक्त, लेकिन सैडली लीबिया की जंग शुरू हो गई थी, और वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं दूसरी जगहों पे जाके भी ऐसे ही कर सकूं। लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है लॉबिंग के हवाले से, चाहे मैं तातरिस्तान जाके रशियन मुसलमानों को सपोर्ट, चाइना के मुसलमानों को सपोर्ट, दुनिया भर में, वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। और वो मेरा काम स्पेशली, और मुझे पता है हिंदुत्व वाले जितने भी लोग हैं, रॉ वाले जितने लोग हैं, वो अभी इस हफ्ते सेलिब्रेट कर ले जितना भी करना चाहते हैं, इंशाल्लाह आई विल बी बैक। और जब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का जब फैसला आएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स में मैं क्या काम करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप थोड़े से कोई प्लान्स भी हमारे साथ शेयर करें कि आगे, अब चूंकि अब बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अब आपके ऊपर नहीं होंगी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, तो अब आगे आपने अब क्या प्लान किया, अब आगे क्या करना है लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब? देखें, सबसे पहले तो ये है कि आई हैव टू लुक आफ्टर माय वाइफ। तो जब तक वो हेलो जी 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 प्लीज सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मेरी जो है वो उनकी घर पे लुक आफ्टर भी करता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, होवर भी करता हूँ, और उनके साथ टाइम भी गुजारता हूँ। इंशाल्लाह जब भी वो ठीक हो जाती हैं तो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मीडिया के जो भाई हैं उनके साथ मशवरा करूंगा, और जो डायरेक्शन होगी, अल्लाह का शुक्र है मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरा कारोबार, बिजनेस और मेरे प्रॉपर्टीज का जो किराया वगैरह है वो इतना है कि मुझे दाल रोटी मिल जाती है। लेकिन मैं अपना जो काम है, देखें मैं अगर ये आपको बताऊं कि अल्लाह सुभाना ताला ने कुरान में फरमाया है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन तो सिर्फ इसलिए पैदा किए ताकि वो मेरी इबादत करें। और इबादत का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप नमाज पढ़े, इबादत का मतलब ये भी है कि दूसरे इंसानों की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, और जहां पे जुल्म हो रहा है वहां पे उसके खिलाफ आवाज भी उठाएं, और ये मैं इंशाल्लाह करूंगा। बिल्कुल ठीक लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी वाइफ को सेहत अता फरमाएं, और आप जिस तरीके से, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी एग्जांपल है कि किसी के पास जब इस तरह की कोई अथॉरिटी हो और वो खुद ये समझे कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, वो आप वहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपने अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि आप बेहतर है कि आप वहाँ से रिटायरमेंट लें। ये एक एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए, उनको भी ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग तो इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते हैं और उसके बाद वहां पे अपने जो भी उसका मकसद होता है उसके ऊपर काम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि आपने ये एग्जांपल सेट किए, और जिस मकसद की वजह से कि हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी जो वाइफ है उनको सेहत अता फरमाए, और मुस्तकबिल में आप जो भी करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और कश्मीर के हवाले से जो आप आवाज बुलंद कर रहे हैं वो इंशाल्लाह उसमें, और मुसलमानों के लिए आप जो पूरी दुनिया में जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ आप बात कर रहे हैं उसमें हम इंशाल्लाह आपके साथ होंगे, और इसी तरीके से आपकी आवाज के साथ जो है वो आवाज बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया।